क्या आप भी अपना पैसा आने वाले कुछ महीनों के अंदर डबल करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए है। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मैं नया नया स्टॉक लेके आऊँ जो आगे चल के मल्टी बैगर बन सके। तो आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक 6 महीने के अंदर 19% रिटर्न दिया, बट ये कुछ ज़्यादा खास है नहीं। मैक्सिमम की बात करें तो अभी ये रिसेंटली ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2023 में सितंबर में, जो जब उसका जो प्राइस था वो 1200 रुपया था, बट अभी उसने कुछ खास गेन नहीं किया है, 1700 रुपया हो गया है। बट अब बात करें कि इसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे आप और ये स्टॉक आगे क्यों बढ़ेगा, तो सबसे मेन रीजन इसका है जो प्रमोटर होल्डिंग है ये 62% है, ऑलमोस्ट 63% मान सकते हैं, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट 7% के आसपास है, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो एक ये गुड साइन है, बट ये देख के आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और मैं इसका और रीजन बताता हूँ जो इसके वजह से आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर कि जो ये कंपनी का नाम है वो RR केबल है, ये 4 नंबर की कंपनी है, जो मार्केट लीडर है वो पॉलीकैब है, पॉलीकैब के बाद ये TI इंडस्ट्री है, और ये है उसके बाद ये 4थे नंबर पे आ रही है। तो ये तीनों कंपनी ऊपर वाली जो तीनों कंपनी है वो ऑलरेडी ग्रो हो चुकी हैं, तो इसमें जो पोटेंशियल है आगे जाने का पॉलीकैब बनने का तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं जो इसने सेल्स किया है 3 साल के अंदर वो इन तीनों कंपनी से ज़्यादा किया है, पॉलीकैब से, TI इंडस्ट्री से, और ये तो आप देख सकते हैं इसने सेल्स भी ज़्यादा किया है, और इसका जो रिटर्न प्रॉफिट है वो 28% है, ये पॉलीकैब के ऑलमोस्ट बराबर है, ये आप देख सकते हैं, और ये 3 साल का देखा जाए तो इन तीनों कंपनियों से ज़्यादा है इसका प्रॉफिट है। तो इसके माने ये 10 रुपये 100 रुपया इन्वेस्ट करती है तो 31 रुपया इसका प्रॉफिट होता है, इन सबका 25 रुपया, 29 रुपया और 26 रुपया होता है। तो ये एक रीजन है, और इनमें इनमें देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग जो है ये इसका सेकेंड बढ़िया है, 62% है, ये खाली पॉलीकैब का 65% है बट इसका भी 62% है। तो कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो प्रमोटर होल्डिंग होता है वो यदि ज़्यादा रहेगा तो कंपनी के जो लोग हैं काम अच्छे से करेंगे, तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये आने वाले एक 1-2 साल के अंदर कम से कम ये 5000 के आसपास पहुंच जाएगा।